बस एक्सीडेंट्स आए दिन हमें देखने को मिलते ही रहते हैं, चाहे वो सामने वाले की गलती होती है या फिर बस ड्राइवर की गलती होती है, क्योंकि वो शराब पीकर बस ड्राइव करता है जिससे वो होश में नहीं रहता और कहीं भी बस को चला देता है और एक्सीडेंट्स होने लग जाते हैं जिससे सवारियां भी डर जाती हैं और नुकसान तो होता ही है। इसी चीज़ को रोकने के लिए डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट ने 18 डिपो में एल्कोमीटर जनरल मैनेजर और ट्रैफिक मैनेजर को देने का फैसला किया है, जिससे वो ये चेक कर सकेंगे कि कौन से ड्राइवर ने शराब पी हुई है और कौन से ड्राइवर ने नहीं। शराब पीकर बस चलाने वाले रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर की अब आएगी शामत, क्योंकि पंजाब डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट ने जल्द ही एल्कोमीटर पंजाब के 18 डिपो में देने का फैसला किया है। अब ड्राइवर और कंडक्टरों को चेतावनी दी गई है कि वो शराब पीकर कोई भी ड्राइविंग नहीं करेंगे। वैसे तो देखा जाए तो इस मामले में पुलिस वाले भी काफी हद तक जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि वो इन मामलों में सख्ती नहीं दिखाते, और दूसरी बात ये कि उनके पास तो अब एल्कोमीटर ही नहीं है, तो वो कैसे इन चीज़ों पर शिकंजा कस सके। जुड़े रहिए लुधियाना लाइव के साथ।